नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल से जेडीयू विधायक का एक वीडियो वायरल है, जिसको लेकर सरकार की, जेडीयू की और उस विधायक की खूब लानत मलामत हो रही है। विपक्ष इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। दरअसल जेडीयू के विधायक हैं शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी, उनका एक वीडियो वायरल था जिसमें वो बदगुमानी करते दिख रहे हैं। एक जगह वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं क्वारंटाइन सेंटर पर। जब उनसे लोग सुविधाओं की मांग करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने तुमको पैदा किया, क्या उसने तुमको रोजगार दिया? और विधायक जी की ये बदजुबानी उन पर भारी पड़ गई। माना जा रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके संकेत खुद जेडीयू प्रवक्ता अजय, माफ कीजिएगा, जेडीयू के नेता अजय आलोक ने दिए हैं और विपक्ष पूरे आक्रामक तेवर में है। विधायक जी अब बैक फुट पर हैं। विधायक जी ने अब सफाई दी है और ये कहा है कि वे अपने करीबी मित्र के बेटे को यह बात बोले थे, ना कि मजदूरों से उन्होंने ये बात कही है। तो पहले विधायक की सफाई सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। गांधी गांव क्वारंटीन सेंटर गया था और वहाँ ही नहीं, मैं वहाँ से डीहा गया, चोरबर गया, आपको कसार गया, फिर आपको हुसैनाबाद गया, विभिन्न क्वारंटीन सेंटर लगता है 8-9 क्वारंटीन सेंटर गए। और वहाँ जो है चांदी गांव का वीडियो जो वायरल किया जा रहा है न्यूज 24 पर मैंने देखा है, तो आप वीडियो को सुन सकते हैं। वह मामला हमारा और पिंटू है, सुरेंद्र जी का बेटा, जिस घर से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, आज नहीं 15-20 सालों से, सुरेंद्र जी से, उनके भाई से पारिवारिक मेरा रिश्ता है। तो पिंटू ने बोला कि 10 साल में आप हमको कोई रोजगार दिए हैं? तो मैंने कहा, चूंकि पिताजी वही, तो मैंने कहा बाबूजी तुमको पैदा किए हैं तो कोई रोजगार तुमको दिए? बस यही मामला था, मजदूर से कोई लेना देना नहीं। मैं वहां 45 मिनट रहा, यदि मजदूर से कोई मतलब रहता तो मजदूर लोग हल्ला हंगामा करते, कुछ करते, मजदूर के संपर्क से कोई लेना देना नहीं है। यह हमारा और पिंटू, जो सुरेंद्र जी का बेटा है, उनका मामला है। आप सुरेंद्र जी के बेटा पिंटू से भी पूछ सकते हैं, भतीजा के नाते ही आप बोले। हाँ, ये चाचा भतीजा का संवाद है और इसमें कहीं कोई मतलब नहीं। आप चांदी गांव जाइए, चांदी गांव में सुरेंद्र जी का बेटा पिंटू है, पिंटू और हमारा संवाद है। इसी में मैंने चाचा भतीजा के नाते बोला और बाबू जी बोला। मैं कोई अपशब्द बोलता तो कुछ बोलता, मैंने इतना ही बोला कि बाबू जी तुमको पैदा किए ना, तुमको रोजगार दिए, पिताजी भी उसको ही पर थे। जो बुनियाद है ये भी बुनियाद है और इसको बेवजह, हम तो 45 मिनट करीब 50 मिनट रहे, तो 50 मिनट का वीडियो दिखाना चाहिए। तो शेखपुरा से जेडीयू विधायक रणधीर कुमार सोनी अब अपने वायरल वीडियो पर, खुद से जुड़े वायरल वीडियो पर खुद की बदजुबानी पर सफाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बात उन्होंने मजदूरों को नहीं कही, ये बात उन्होंने अपने करीबी मित्र के बेटे को कही है। जाहिर है विधायक जी बैकफुट पर हैं। सरकार और जेडीयू तो बैकफुट पर होगी ही, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर आक्रामक है और लगातार कल से ये वीडियो पोस्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो की वजह से खूब बवाल है, बिहार की राजनीति में काफ़ी शोर शराबा है, हो हंगामा है। जेडीयू ने तो संकेत भी दिए हैं कि विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने लिखा है कि ऐसे सत्ता के नशे में चूर कोई व्यक्ति इस तरह का बयान देता है तो पार्टी सत्ता के नशे में चूर ऐसे लोगों को सजा देना जानती है, कार्रवाई करना जानती है, हमारी पार्टी इसमें माहिर है। तो संकेत मिल रहे हैं कि विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई होने वाली है, माफ कीजिएगा, कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मौके की नज़ाकत को विधायक ने भी भापा है, उन्होंने शायद यह समझा है कि मामले ने तूल पकड़ लिया है, मुश्किल पड़ सकती है, भारी पड़ सकता है ये बयान, इसलिए अब उनकी सफाई भी आ गई है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।